भेड़िया मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट आ चुकी है OTT की, एंड वो क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज अभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात करें भेड़िया मूवी की OTT रिलीज डेट की, तो भाई भेड़िया मूवी की OTT रिलीज डेट थोड़ी सी डिले कर दी गई है, एंड उसका कारण ये है कि भेड़िया मूवी OTT पर रिलीज तो होनी थी दिसंबर में ही, लेकिन जहाँ तक उसकी र्यूमर आती थी वो जनवरी में भी जा सकती थी फर्स्ट वीक में, लेकिन जहाँ पर विक्रम वेदा को 13 दिसंबर को स्ट्रीम होना था वूट सेलेक्ट और जियो सिनेमा पर, उसको डिले कर दिया गया है। विक्रम वेदा अभी तक भी वूट सेलेक्ट एंड जियो सिनेमा पर नहीं आए हैं, एंड जब विक्रम वेदा डिले हुई है तो उसी के चक्कर में भेड़िया मूवी को भी डिले कर दिया गया है। एंड अब जो इसकी रिलीज डेट आ रही है सामने वो ये आ रही है कि भेड़िया मूवी को अब जनवरी के लास्ट तक के लिए डिले कर दिया गया है, एंड अब ये मूवी आपको जनवरी के लास्ट वीक में देखने को मिलेगी। एंड कहाँ देखने को मिलेगी, यह आपको दो प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। एक तो होने वाला है नेटफ्लिक्स, जो कि ऑलरेडी एक सब्सक्रिप्शन जिनके पास होगी उनके लिए होगी, यानी कि नेटफ्लिक्स पर ये एक पेड मूवी की तरह होगी, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो ही आप इस मूवी को देख पाओगे। लेकिन वहीं पर बात करें इस मूवी के मेकर्स ने एक और अच्छी चीज़ करी, जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेकर मूवी नहीं देखनी है, जिन लोगों को फिल्म और मूवी देखनी है वो ट्यून कर सकते हैं जियो सिनेमा पर। जी हाँ, ये मूवी एक ही दिन नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होगी, तो जिन लोगों को फ्री में देखनी है वो जियो सिनेमा पर जा सकते हैं, एंड जिनके पास ऑलरेडी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है वो नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को स्ट्रीम कर सकते हैं। तो बस भाई अब वेट कर लीजिए जनवरी के एंड वीक का, तो जनवरी के एंड वीक में ये मूवी आ जाएगी OTT पर। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।